Good morning to everybody. Assalamu alaikum. Jai Shri Ram. So, आज हम टेक्नो ब्लेड के बारे में बात करने वाले हैं. Today we are going to talk about the Techno Blade. He was one of my favorite YouTuber. बहुत favorite YouTuber था मेरे लिए क्योंकि भाई वो always he had helped me in every single depressing situation. उसका video entertaining होता था और मेरा lowest point जब मेरे lowest point आया था ना डिप्रेशिंग लोएस्ट पॉइंट बहुत लाइक बुरा लगता था ना उसका वीडियो देखकर भाई उसका इंटरटेनिंग वीडियो बहुत कंटेंट का कमी नहीं होता था उसके वीडियो पर लाइक मज़ा आता था कहने के और जो डिप्रेसिंग पार्ट जो होता था ना मेरे पे वो लाइक सम काइंड ऑफ हर्ट जाता था फॉर सम पर्टिकुलर टाइम वो हर्ट जाता था स्लोली उसका वीडियो इज वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई माई डिप्रेशन नहीं बोलते उसको लाइक सैडनेस वो लाइक लोएस्ट पॉइंट जो होता था ना उसमें भी एक सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट किया था टेक्नो ब्लेड के वीडियो ने अभी मैं जैसा हूँ ना जब जैसा हैप्पी हूँ ना उसमें एक कंट्रीब्यूशन एक टेक्नो ब्लेड का वीडियो का कंटेंट ने भी किया था और आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ अ टेक्नो ब्लेड एंड आई लिटरली आफ्टर एसडी जब मैं कॉलेज में था एक वीडियो पॉपअप हुआ था कि लाइक टेक्नो ब्लेड का एक वीडियो पॉपअप हुआ और मुझे तो लगा कि एक लाइक गुड बाय नॉट वाला एक ऐसा कॉन्टेंट वाला था उसके बाद मुझे लगा कि सम काइंड ऑफ माइनक्राफ्ट का एक सम काइंड ऑफ कंटेंट होगा उसके बाद मैं खुश हुआ था क्योंकि भाई उसका वीडियो अब कितने महीने के बाद आया था वो और लाइक मैं इतना खुश हुआ था कि लाइक सम काइंड ऑफ मैं तुमको जाहिर भी नहीं कर सकता कि क्या लाइक कितना खुश था मैं उसके बाद अभी कॉलेज में तो वीडियो नहीं देख सकता ना इसलिए घर पे आया घर पे आकर लाइक वीडियो देखने का ट्राई किया उसके बाद वीडियो देखा कपड़े सब चेंज करके खाना खाकर सब कुछ करके खुश होकर लाइक वीडियो देखना शुरू किया था भाई उसके बाद भाई मैं बता नहीं सकता कि भाई मैं कितना रोया था अराउंड 2 to 3 hours में रोया था आई वॉज क्राइंग और उसके बाद आई कैंट इमेजिन दैट कि लाइक ही वॉज जस्ट 23 ईयर्स ही वॉज जस्ट 23 भाई लाइक 23 मैं 20 हूँ अभी यानी कि लाइक एल्डर देन मी तीन एल्डर मतलब तीन बरस बिगर देन मी है ना थ्री ईयर्स बिगर देन मी यानी कि लाइक आपको लाइक यार इट वॉज जस्ट अ टीनेज नहीं बोल सकते भाई एक एक यंग एज था वो है ना लाइक ही वॉज सम काइंड ऑफ ही डोंट डिजर्व टू डाई लाइक दैट इन दैट एज है ना ही वॉज अ गुड पर्सन फ्रॉम हिज हार्ट ना ही यूज टू कॉन्ट्रीब्यूट एवरीथिंग मेनी थिंग्स फॉर हिज फैमिली व्यूअर्स एंड द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड एवरीथिंग जो जो मदद चाहिए था उन लोगों को मदद भी करता था वो और लाइक जो कैंसर का लाइक पेशेंट होता है ना वो लाइक डरते हैं लाइक स्टेज 4 का कैंसर था उसमें लाइक स्टेज 4 यानी कि लाइक इज लिटरली लाइक समवन इज कैरिंग अ लाइक नाइफ इन योर चेस्ट अभी तुम मरने वाले हो ऐसा कुछ करके लाइक लिटरली स्मॉलेस्ट परसेंटेज ऑफ चांसेस आर देयर ऑफ स्टेज 4 कैंसर का लाइक बचने का चांसेस होता है और आई वॉज लाइक लिटरली सैड भाई बिकॉज की लाइक इवन दो ही वॉज कैंसर पेशेंट स्टेज 4 का कैंसर पेशेंट था उसके हाथ में ट्यूमर था उसके बाद भी वो सम काइंड ऑफ वो होता है ना कि लाइक मुझ पे वो फर्क नहीं दिखाता था लाइक अंदर मुझे फील हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है यू डोंट यूज टू केयर अबाउट दैट वो लाइक लिटरली जिन दिन उसको कैंसर था उसको पता था ना वो लाइक मर्चेंडाइज का लाइक ऐसा होता है मर्चेंडाइज का सम काइंड ऑफ क्रिएट कर रहा था उसमें लाइक इवन आफ्टर द वीडियो लाइक कैंसर का मुझे कैंसर ऐसा कुछ वीडियो कॉन्टेंट आया था उसमें लाइक ही वॉज प्रमोटिंग हिज मर्चेंडाइज एंड दैट वॉज अलॉट लाइक अ ब्रेवरी थिंग्स एक बहुत साहसी थिंग होता है वो है ना साहसी एक साहस होता है जो बोल सकता है कि भाई कैंसर भी है और ही वॉज लाइक लिटरली हैप्पी अबाउट इट ही वॉज मेकिंग जोक अबाउट इट है ना एंड आई वॉज सो लाइक लिटरली ही वॉज सो मच ब्रेव आफ्टर दैट जो वीडियो आया था ना उसमें लाइक ही वॉज इम्प्रूविंग वो लाइक उसका सेहत अच्छा सा होता ही जा रहा था उसके बाद अराउंड 2 months 1 month उसका वीडियो नहीं आया और लास्ट में जब वीडियो आया ही वॉज डेड लाइक जब वो लास्ट वीडियो था ना उसमें जब बिहार में खेल रहा था उसका हाथ जो ट्यूमर से पीड़ित था उस हाथ को भी ही वॉज परफेक्टली मूविंग टिल हिज आर्म्स उसका आर्म तक उसका ये आर्म जो होता है ना इसमें तक ही वॉज लाइक ट्राइंग टू लाइक उसका मैं VR में भी दिखा था कि भाई उसका हाथ कितना ऊपर तक गया था लाइक इवन ही वॉज पूरा हाथ स्वेलिंग था ही वॉज डूइंग परफेक्ट है और वो चीज़ लाइक लिटरली मेक मेड मी फील कि भाई वो कर सकता है ही विल डिफीट ही विल फाइट विद द कैंसर एंड यू विल डिफीट द कैंसर टू बट अनफॉर्चुनेटली भाई कैंसर इज नॉट अ जोक कैंसर कभी भी जोक नहीं था और
एज नहीं था उसके लिए मरने के लिए. ही वॉज डूइंग वेल, ही वॉज डूइंग एवरी थिंग फॉर हिज फैमिली. इवन इन हिज एंडिंग एंडिंग पार्ट में वो सम काइंड ऑफ अपना व्यूअर का लाइक ख्याल पूछ रहा था, अपना व्यूअर का लाइक लंबी उम्र की आशा कर रहे थे ना उसको. लाइक ही वॉज सेटिस्फाइड, क्या वो सेटिस्फाइड था क्योंकि भाई हिज फैमिली इज लाइक उसने उसका फैमिली के लिए कुछ किया. उसका ब्रदर अभी एजुकेशन के लिए अभी उसने पैसा जमा किया, उसका ब्रदर अभी पढ़ेगा लिखेगा. उसके बाद उसका लाइक उसने अपना एक कंटेंट बनाया, एक प्लेस बनाया एक यूट्यूब चैनल में. उसने एक दुनिया भर में एक प्लेस बनाया अपना, जिसमें उसने अपना एक मिलियंस ऑफ फैंस क्रिएट किया. उससे ज़्यादा उसके लिए सेटिस्फैक्शन कुछ भी नहीं था. और वो लाइक एंडिंग में भी उसका कॉन्टेंट क्या था, उसका कॉन्टेंट लाइक नोट्स होता है, नोट्स like some kind of, he was like making joke about his death, okay. He was like, you don't want us to be sad, okay. हमको sad नहीं दिखता चाहता था, इसलिए उसने भी like some kind of उस video में भी like वो Dave वाला joke किया था. Dave कहते थे हमने एक prank किया था Dave, Dave कहते ऐसा कुछ है. उसके बाद like some kind of I was like, it was devastating, really a devastating thing, but जो भी हो he was satisfied at the end. वो satisfied था end पर जो भी हो he was satisfied, very much satisfied with his life. भाई जितने भी उसने किया हाँ लाइक he had done a great things है. उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया, अपने परिवार को खुश रहा, उसने व्यूअर्स को खुश रहा है. एंडिंग में भी लाइक वो जितना लाइक कर सकता था उसने किया अपना व्यूअर के लिए, सबके लिए किया. उससे ज़्यादा कुछ नहीं लाइक उसने जितना भी किया उससे ज्यादा और उससे कम लाइक नहीं हुआ था. समझ आया ना, लाइक सम काइंड ऑफ ही डिड हिज बेस्ट. जितना किया ना लाइक व्यूअर के लिए भी सेटिस्फाइड थे, व्यूअर भी सेटिस्फाइड थे, उसका फैमिली भी सेटिस्फाइड था. अभी को लाइक कैंसर एक नॉर्मल केस नहीं है, ये लाइक सीरियस केस है, डेथ तक भी जा सकता है. डेथ तक नहीं लाइक डेथ ही आता है मैक्सिमम के लिए, और थोड़ी सी परसेंटेज के लिए लाइक कैंसर से बैक आता है, बचते हैं कोई लोग, पर मैक्सिमम देते मरते भी है, मैक्सिमम मरते हैं कैंसर की स्टेज फोर, यानी कि नो जो कैंसर की स्टेज फोर, यानी कि इस लाइक लिटरली यू आर से डॉक्टर विल से इट्स डेथ, लाइक तुम मरने वाले हो ऐसा कुछ ही कहेंगे, है ना. अब इतने कैंसर का एक पेशेंट डर होता है ना, वो डर उसमें नहीं था. उसने व्यूअर को सेटिस्फाइड किया, कंटेंट में कभी भी कमी नहीं आने दी. उसने जो पहले कैंसर के पहले जैसे वीडियो बनाता था ना, उससे भी अच्छी वीडियो बना के दिखाया. कैंसर के बाद भी इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं था. उसने अपना भैया को पढ़ाया, अपने ब्रदर्स एंड एवरीथिंग को अभी एजुकेशन के लिए जितना पैसा खड़ा किया अभी उसका, वो बहुत खुश था. उसका लाइक ब्रदर अभी पढ़ाई के लिए जाएगा. उसने लाइक मर्चेंडाइज बेचा, उस लाइक यूट्यूब में एक फेम कमाया, सब कुछ वो सेटिस्फाइड था. उससे ज़्यादा लाइक जो सेटिस्फैक्शन होता है ना कि लाइक मरने के वक्त, वो सेटिस्फैक्शन उसमें था. हाँ, और आई एम रियली सैड बिकॉज ये उम्र नहीं था उसको, लाइक सम काइंड ऑफ द गॉड शुडंट हैव बीन सो मर्सीलेस, इतना मर्सीलेस नहीं होना था, क्योंकि भाई ही वॉज अ गुड पर्सन. अभी क्या करे, हमारे इंडिया या फिर हमारे हिंदू कल्चर में कहते थे ना लाइक अच्छे इंसान को ही भगवान ऊपर पहले बुलाते हैं. सो ऐसा ही कुछ हुआ. सो थैंक यू वेरी मच, है ना, पीस आउट, है ना. इतना ही कहना चाहता हूँ कि आखिरी बात की लाइक डू योर बेस्ट है. लाइक पीपल हु आर डाइंग टू दे आर जस्ट डूइंग इज देयर बेस्ट, इवन दो दे आर सैड, दे नो दे विल डाई. तुम तो जीने वाले हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम और भी कुछ कर सकते हो, तुम ज़्यादा उससे भी ऊपर कर सकते हो, तुम टेक्नोब्लेड से भी ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि भाई उसके पास थोड़ा टाइम था. उस थोड़े टाइम में भी वो लाइक दिखाया कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ. तो भाई तुम्हारे पास तो 40-50 ईयर्स है, तुम क्या कर सकते हो उसमें. हाँ, सो जस्ट डू यू वॉट, जस्ट इम्प्रूव. हाँ, टेक्नोब्लेड से कुछ सीखो. इफ यू आर फैन ऑफ टेक्नोब्लेड उससे कुछ सीखो. मैं भी कुछ से कुछ सीख रहा हूँ. और उसके बाद मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई टेक्नोब्लेड को लाइक आई सॉल्यूट फॉर टेक्नोब्लेड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो RIP, रेस्ट इन पीस ब्रदर, रेस्ट इन पीस इन हेवन, है ना. और जहाँ पर भी हो अभी तुम लाइक खुश रहो. और तुम्हारे दूसरा जन्म, तुमने कहा था कि भाई 100 जन्म जितने भी जन्म हो तुमको टेक्नोब्लेड ही बनना है तुमको, लाइक इतना ही, क्योंकि तुमको उसमें ही खुश लगता है, खुश टेक्नोब्लेड बनने में खुश लगता है तुमको. सो आई जस्ट विश टू द गॉड्स कि तुम्हें जो भी जन्म मिले
टेक्नो ब्लेड जैसा एक खुश मिले है ना। इतना एक एकड़ में एंडिंग करना चाहता हूँ इस वीडियो को, और इतना लास्ट में फिर से एक लास्ट में एक वीडियो एक लास्ट में एक वर्ड कहना चाहता हूँ कि भाई जहाँ पर भी हो ना तुम लाइक हैप्पी होना है, हैप्पी हो, हैप्पी होना। और दूसरा तो मिला तो लाइक उसमें भी कुछ करके दिखाना। थैंक यू वेरी मच, पीस आउट, लव यू गाइस, थैंक यू, पीस आउट।